इसको तो पीन लो यार। ये पी रखी है, ये तो खाली है। क्या है ये? खाली है। तो बैठे रहो, बैठे रहो। क्या है यार? बैठे रहो, बैठे रहो, और जब होश आएगा ना तब बात करना मुझसे। यार सुनो तो सही, बाहर में जाओ, ये काट लो। और हाँ, फैमिली में यार सबको लेके आना इस दिन फ्री। यार ये काटना अपने पीछे डाल के। सो गाइस, स्वाति पार्क में आ चुकी है और कुछ ही सेकंड में आने वाली है। आज फुल तैयारी है। हेलो, और हो गया गुस्सा शांत? लग गए थे, गिर गया था यार, चोट लग गई। अरे ज्यादा नहीं है, ठीक हो जाएगी, लगती रहा मैं ये तो बड़े बन रखे तो लगी गई होगी, गिर गए होंगे कहीं किसी नाले के अंदर। मतलब यार ताने मारने जरूरी हैं क्या? बेवड़े बनने रहोगे, मतलब बेवड़े आदमी गिरे हैं क्या? आदमी का वैसा पैर नहीं फिसलता। दिख रहा कि मतलब मुझे ये चीज देख के कितना हर्ट हो रहा है, बट तुम्हें ये दिख रहा है कि तुम्हें ताने मार। यार नॉर्मल सी चीज है, सब करते हैं यार। तुम तो दिल्ली में रहे हो, तब भी ना समझते दिल्ली वाली लड़की। ऐसा कुछ नहीं होता, दिल्ली लड़की दिल्ली की हो चाहे कहीं की भी हो, अगर उसकी फीलिंग्स ट्रू है ना तो उसको हर्ट होगा। अब तुम ये बताओ, कल किसने बताया था कि मैं यहाँ पर हूँ तुमसे? वो सब साइड में रुकी, लगी कैसे पहले? अरे गिर गया था यार, वो तुम बोतल फोड़ के गए थे ना, वो फूटी नहीं थी यार, वो लीकेज हो गया था तो उस पर पैर फिसल गया था, तभी गिर गया था। तुम्हें तो जाने से मतलब था, तुम तो निकल गए, तुम्हें तो होश नहीं है। कोई नहीं, तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे बहुत हर्ट किया। क्या कह रहे हो, तेज बोलो यार। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया राहुल। अच्छा, मैंने किस लिए हर्ट कर दिया यार? तुम्हें पता है कि मैं दूसरा आदमी कितनी प्रॉब्लम में है ये वो? मैं वही बात बोलने वाली थी कि अगर तुम्हें किसी चीज का प्रॉब्लम था तो मुझसे शेयर करते। दारू पीने से याद रखना मेंटल पीस मिल जाता है इंसान को, बट सोल्यूशन नहीं मिलता, ठीक है? तो उस सोल्यूशन को ढूंढने के लिए ना आपको होश में रहना पड़ता है। आप मुझसे डिस्कस करते। अरे आ गया ना यार होश यार, क्या वो यार, अम्मा मत ना बनो, तो बड़ी अम्मा बन रही हो। बात अम्मा की नहीं होती राहुल, पता है बात ये होती है कि यार मैं तुम्हें ना, यार जब किसी बंदे की लाइफ में ना प्रॉब्लम होती है ना, अरे एक ना दो तरफ से होती है, तो उस बंदे को पता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, जिस पे बीतती है ना उसे पता लगता है। ठीक है चिल्ला लो तुम, कोई नहीं चिल्ला यार, चिल्लाने क्या यार, मैं बोल रहा हूँ यार, इसमें चिल्लाने क्या यार, इतनी टेंशन है तो शेयर तो करते ना राहुल, फोन भी नहीं उठा रहे, मिल भी नहीं रहे हो। शेयर यार क्या करें यार, शेयर जब आदमी को खुद ही नहीं पता, आदमी की जिंदगी चूतिया हुई पड़ी है तो आदमी क्या किसी को शेयर करेगा? आदमी को खुद समझ में नहीं आ रहा उसके साथ हो क्या रहा है यार। वो जगह बनाई नहीं है ना तुम्हारे दिल में राहुल की तुम हाँ, शेयर कर। अच्छा वैसे समझदार हो यार तुम, इतना समझते हो। बोलो काहे को, बताओगी क्या प्रॉब्लम हुई है? अरे कुछ नहीं यार। बोलो राहुल। यार प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम, तुम यार समझते हो तो यार तुम्हें समझाऊं, तुम्हें तो बस चिल्लाना आता है, कैड पैड करनी आती है। चिल्लाने की बात नहीं राहुल, अगर यही सेम। चलो छोड़ो, हाँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सारी चीज छोड़ो। देखो प्रॉब्लम अगर तुम समझते हो तो समझ लेना यार। देखो प्रॉब्लम, देखो यार क्या बताऊं, प्रॉब्लम ये है यार, देखो हमें टाइम भी हो लिया, ज़्यादा मिल नहीं पाते, ज़्यादा बात नहीं हो पाती, सारी चीज़ एक तरफ है, और घर पे भी है ना बातें चलती रहती है तुम्हारे, उसको लेकर के उसको लेकर के। बाकी प्रॉब्लम यार कुछ नहीं है, अभी कुछ दिन से यार प्रॉब्लम ये हुई कि मम्मी को यार क्या बताऊँ। बोलो, सुन रही हूँ। मम्मी को क्या हुआ? घर पे एक रिश्ता आया था और वो क्या नाम है, मम्मी ने मेरे लिए, तो मम्मी को तुम जब तुम लास्ट टाइम प्रेगनेंट करके गई थी तो उन्होंने तुम्हारा यार वो करेक्टर जज कर लिया, यार ये तो चलो ऐसी है हैं। मैंने कहा ये एक्टिंग थी, इन्हों क्या एक्टिंग भी तो वही कर सकता है ना जिसको इस चीज़ जो ये चीज़ आती हो, तो उन्होंने यार वहाँ रिश्ता फिक्स कर दिया, और वहाँ मजबूरी भी ऐसी हुई कि यार बस क्या बोलना राहुल। देखो अपनी मम्मी का नाम लेके ना
तुम्हें ब्रेकअप करना है ना तो ये बहुत गलत तरीका है। यार मैं ब्रेकअप क्यों करूंगा यार? नहीं राहुल, अगर किसी इंसान को जब किसी को छोड़ना होता है ना तो वो यही घुमा फिरा के माँ पे आता है, ठीक है? मतलब मैं बहाने बना रहा हूँ यार छोड़ने के? तुम जिस तरह बिहेवियर रख रहे हो ना मेरे लिए, ठीक है, फोन नहीं उठाना, बात नहीं करना, मिलना नहीं, तो इससे ना मैं भी कहीं ना कहीं समझ रही हूँ कि राहुल तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है, ठीक है? बट मैंने ये चीजें अच्छा, नहीं सोची, मैं तो लॉन्ग टर्म सोचा था। बट तुम्हें अगर ज़्यादा लग रहा है कि हाँ मिलने से ही सब कुछ होता है या फिर बात करने से ही सब कुछ होता है यार, मतलब इंटरनल इमोशन मैंने ये देखो यही तो ये, मगर यार तुम समझोगे नहीं तो नहीं बता पाया था, यही वजह थी पीने की। रही बात ये करना बहाने बनाना, यार हर कोई बहाने थोड़े ना मारेगा यार किसी चीज के लिए। प्रॉब्लम तुम्हें ये लग रहा है मैं बहाने मार रहा हूँ ब्रेकअप के लिए? नहीं प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इसका मतलब ये है कि वो दारू पी है। नहीं तुम्हें ये लग रहा है मैं कि तुमसे ब्रेकअप करने के लिए बहाने बना रहा हूँ, तुमसे इसलिए बात नहीं करता इसलिए वो नहीं हो रहा है, ठीक है? तुम्हें ब्रेकअप ही करना है राहुल। देखो ब्रेकअप नहीं करना, देखो बात इतनी हद से आगे जाके बढ़ चुकी है कि कल मैं इतने टेंशन में था, यहाँ तक कि शादी फिक्स तो फिक्स, शादी के कार्ड भी बढ़ चुके हैं। अरे एक ना, अरे तुम्हें यकीन नहीं आता ना, जेल लो। अगर तुम्हें लग रहा है ब्रेकअप करने के लिए बहाने बना रहा है, देखो हंसते हंसते सब मूव ऑन हो जाता है, एकदम से बैठ के बात तो कर सकते हो ना। क्या बात करूं मैं? तो जाने का क्या मतलब है? चल क्या बात करनी है, बैठो। नहीं मैं बहाने मार रहा हूँ ना, शादी का कार्ड भी छप गया राहुल। नहीं मैं बहाने मार रहा हूँ, शादी का कार्ड भी छप गया, ये दिखाने के लिए आया था मैं। इसका मतलब ये है ना राहुल, तुम्हारी परमिशन चाहिए थी और तुमने दे दिया। ये जो चल रहा है राहुल ये क्या था यार? मैं क्या करूं बताओ, मैं दोनों तरफ से पिस रहा हूं। यार राहुल वो विद फैमिली ना लिखा, इस पर विद फैमिली लिख दूंगा। देखो यार सुनो स्वाति, देखो स्वाति बात ऐसी है, देखो यार, देखो जरूरी नहीं, तुमने भी देखा होगा कोई एक दूसरे से प्यार करता हो, जरूरी नहीं कि उनकी शादी ही हो। मेन चीज है अंडरस्टैंडिंग यार, हम दोनों में इतनी है यार क्या चलो शादी नहीं हो रही कोई नहीं यार, कम से कम ब्रेकआउट कर सकते हैं तो यार कम से कम नॉर्म मतलब ऐसे तो नहीं करो यार। इट्स नॉट दैट मच इजी राहुल, प्लीज इस चीज को समझो। वही तो मैं कह रहा हूँ, इस चीज को समझो। मैं मतलब पागल थी जो मैं इतना टाइम दिया यार इस रिलेशनशिप को यही सब देखने के लिए। मुझे नहीं आते रिश्ते राहुल, मैं भी तो टैकल करती हूँ ना घर में हर एक चीज को, अभी तो समझती हूँ पापा को समझती हूँ। इसका मतलब ये है कि यार मैं भी यार छोड़ो ना यार, जो यार देखो अगर तुम पुरानी चीजें याद करके अब यहाँ बातें करोगे यार ऐसे तो यार चीजें खत्म नहीं होती ना, आगे फ्यूचर पे बात करनी चाहिए ना। पास्ट जो था यार वो गया यार, अब तुम सारी छोड़ो ये कार्ड लो, और हाँ फैमिली में यार सबको लेके आना इस दिन फ्री यार। ये कार्ड ना अपने पीछे डाल के। ये क्या हुआ यार? यार जब तुम्हें नहीं करना था आगे तो तुम्हें तो इसको फाड़ने की क्या जरूरत थी? इसका कॉस्ट जो भी है ना मैं दूंगी, ठीक है? और तुम्हें जो भी लगता है ना इसका कॉस्ट जो है वो तुम दोगे, इसे जोड़ के दिखा दो मुझे तो ना चाहिए, जोड़ दोगे इसको? तुम्हें बहुत खुशी मिल रही है इसको जोड़ दोगे? यू नो व्हाट प्रॉब्लम ना तुम्हारी नहीं है, प्रॉब्लम मेरी है कि मैं तुम्हारे साथ तो एक्टिंग क्यों कर रही हो ये? अबे सुनो तो,